हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है IBPS क्लर्क 2019 की जो यहां पर एग्ज़ाम चले प्री एग्ज़ाम जो हो रही है, जो 8 दिसंबर को जी आपकी एग्ज़ाम हुई थी, उसकी एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है। चार शिफ्ट में एग्जाम हुई थी आपको, तो चारों शिफ्ट का यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो बहुत सारे आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, और मैं दोनों शिफ्ट को मिलाकर, यानी कि मैं दोनों दिन का एग्ज़ाम जो हुआ है 7th और 8th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, दोनों को मिक्स कर कर लाने वाला हूँ यहाँ पर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस क्या है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश की तरफ चलते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। RC से आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन है, यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपके ये जो टॉपिक आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग एरर से आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिलर से देख सकते हो, सिंगल फिलर थी, 5 क्वेश्चन है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर इससे भी 5 क्वेश्चन है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें अगर, तो उसके बाद आप आ सकते हो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिक्स की बात करें तो आप देख लो गाइज, यहाँ पर नंबर सीरीज यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन है, DI टूबलर इससे आपकी 5 क्वेश्चन है, ऑर्थमेटिक्स से आप 10 क्वेश्चन देख सकते हो, और क्वाड्रेटिक से आपकी 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्ट मैथ का। उसके बाद यहाँ पर अगर फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग 5 है, ठीक है। इन इक्वालिटी से आपकी 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से भी 3 क्वेश्चन है, अल्फा नॉमरिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पजल से 5 एंड स्क्वायर से भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। मंथ बेस पर भी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन था, पेयर नॉमरिक से भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन था। सो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग का हो गया, फर्स्ट शिफ्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आप सेकंड शिफ्ट की तरफ चलते हैं, इंग्लिश को सबसे पहले देखते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में जो यहाँ पर टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट RC है आपका, जैसे 8 to 10 क्वेश्चन रेगुलरली हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वर्ड स्वैप से आप 5 क्वेश्चन इसमें देख सकते हो, ठीक है। फिलर से 5 क्वेश्चन थी, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन थी, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी 5 क्वेश्चन थी सेकेंड शिफ्ट में। अब रीजनिंग की बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट कोडिंग से यहाँ पर कितनी क्वेश्चन थी, तो आप देख सकते हो 1 क्वेश्चन, इनक्वालिटी से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से यहाँ पर 2 क्वेश्चन थी, ठीक है। अल्फा नॉमरिक से यहाँ पर 5 क्वेश्चन, सिलोजम से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन से आपका 5 क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कल 8 मेंबर इनसाइड से भी 5 क्वेश्चन थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें मैथमेटिक्स की, सेकेंड शिफ्ट यहाँ पर हो चुकी है मैथमेटिक्स की, और अगर बात करें यहाँ पर गाइज, सो सेकेंड शिफ्ट जो मैथ से क्वेश्चन आए थे वो ऐसे आए थे कुछ लाइक, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 10 एंड बार ग्राफ से 5 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक्स से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अर्थमेटिक्स से 10 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक से आपके 5 क्वेश्चन थे, ओके। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की इंग्लिश की, तो आप देख सकते हो RC से 10 क्वेश्चन थे, मैथ कॉलम से आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। फिलर से आपके 5 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से भी आपके 5 थे, और पारा जम्बल से भी आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, सेंटेंस करेक्शन से भी 5 क्वेश्चन थे थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स पे, आप देख सकते हो नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन थे, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद क्वांट से आप देख सकते हो यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 5 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक की अगर बात करें थर्ड शिफ्ट की थी, ठीक है। ये थर्ड शिफ्ट का आपका एनालिसिस है 8 दिसंबर का। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, आप देख सकते हो सर्कुलर अरेंजमेंट से आपके 5 थे, सिलोजम से आपके 3 थे, लीनियर अरेंजमेंट से आपके 5 क्वेश्चन थे, सिलोजम से आपके 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से आपके 5 थे, पजल से आपके 5 थे, और अल्फाबेट सीरीज से आपके यहाँ पर कितने थे, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज से आपके। सो गाइज, ये है आपकी एनालिसिस 8 दिसंबर की जो कि एग्ज़ाम हुई है, ठीक है। 3 शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, फोर्थ शिफ्ट की तरफ चलते हैं। सो फोर्थ शिफ्ट आप देख सकते हो RC से 8 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, देख सकते हो।
फिलर से आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे, पाराजम्बल से आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन से 6 थे, इरर स्पॉटिंग से आपके यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर मैथमेटिक्स की, तो आप देख सकते हो नंबर सीरीज से यहाँ पर 5 थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से अभी भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, अच्छे खासे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सिंप्लीफिकेशन से पूछे जा रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन आप सभी के लिए। सो गाइज, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वांट एम्पलीट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए थे। सो ये आपका मैथ का हो गया। अब रीजनिंग की तरफ से देखते हैं, रीजनिंग की ब्लड रिलेशन से आपके 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन इक्वालिटी से 5, कोडिंग डिकोडिंग से भी 5, डायरेक्शन से 3 और पजल से 5, और अल्फा नॉमरिक सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपकी 8 दिसंबर की एनालिसिस है, जिससे टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर स्टडी करके जाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बिकॉज जो एग्ज़ाम लेवल है बहुत ही ईजी आ रहा है। अगर एग्ज़ाम और गुड अटैम्प्ट की बात करें, गुड अटैम्प्ट आपका अगर 75 प्लस से, मैंने पहले ही बताया 75 प्लस अगर आप अटैम्प्ट करके आते हो, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, लाइक आप 70 प्लस ही अटैम्प्ट करके आते हो ना 100% एक्यूरेसी से, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। एक्यूरेसी का आपको खास यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, और 70% अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, यानी कि आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर क्रैक कर जाओगे इस एग्ज़ाम के गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।